शेरू बिल्ली के वाटर पार्क की कहानी, खौफनाक कहानी। एक गर्म दोपहर में शेरू बिल्ली ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त चिंटू खरगोश के साथ शेर के मशहूर वाटर पार्क में जाएगा। इस वाटर पार्क के बारे में लोगों ने बहुत सी कहानियां सुना रखी थी। वो पार्क शाम होते ही वहां एक साया घूमता है और अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, लेकिन शेरू और चिंटू ने इन कहानियों को मजाक समझा और हंसते हुए वहां जाने का इरादा किया। शेरू ने चिंटू से कहा, चलो चिंटू, हम इन बेबुनियादी बातों से डरने की जरूरत नहीं, शाम में वाटर पार्क का मजा ही कुछ और होगा। वो दोनों दो शाम को वाटर पार्क पहुंच जाते हैं, जहां दिन के वक्त की भीड़ खत्म हो जाती है और पार्क खाली हो जाता है। पानी की स्लाइड और स्विमिंग पूल खामोश हो जाते हैं, लेकिन शेरू और चिंटू ने सोचा कि ये मौका बेहतरीन है, क्योंकि वहां आराम से सब झूले और पानी के मजे उठाएंगे। जैसे ही सूरज ग्रुप हुआ और अंधेरा छाने लगा, पार्क की रोशनी में अजीब सी चमक आने लगी। शेरू ने एक नजर इधर उधर डाली और हल्के से गैर मुतमिन महसूस किया कि इसने चिंटू से कहा, क्या तुम्हें भी ये जगह कुछ अजीब लग रही है? चिंटू ने जवाब दिया, बस तुम्हारा वहम है शेरू, आओ पानी की स्लाइड पर चढ़ते हैं। दोनों ने पानी की स्लाइड पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जब ऊपर पहुंचे तो एक ठंडी लहर इनके चेहरों से टकराई। ऐसा लगा जैसे किसी ने इनकी गर्दनों पर सांस ली हो, लेकिन वो उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। शेरू ने मजाक करते हुए कहा, क्या हवा है ये चिंटू? ये तो बस एक हवा है चिंटू, डरने की क्या बात है? चिंटू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस, ये हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है। जब वो पानी की स्लाइड से नीचे आए तो पानी में अजीब सी लहरें दौड़ गई, जैसे कोई बहुत बड़ा साया पानी के अंदर हरकत कर रहा हो। अचानक पार्क की रोशनी बंद हो गई और अंधेरा छा गया। सिर्फ पानी और पानी की लहरें और खामोशी सरगोशी सुनाई दे रही थी। शेरू ने चिंटू का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब वो पार्क के दरवाजे की तरफ बढ़े तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो दोनों घबरा गए। शेरू ने जोरों से कहा, दरवाजों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हल्की वो जो दरवाजा था इतनी जोर से बंद हो चुका था कि उसे खोलना नामुमकिन था। शेरू और चिंटू ने बहुत जोर लगाए, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। इनके सामने एक भूत नमा साया था जो पानी से निकलकर इनके करीब आ रहा था। इसके चेहरा इंतहाई खतरनाक और धुंधला था, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे एक अंडे की नहीं बल्कि एक टमाटर जैसी थी। शेरू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों डरा रहे हो? वो साया खेके लगाते हुए और हंसते हुए बोला, ये वाटर पार्क मेरे कब्जे में है, जो भी यहाँ रात में आता है वो मेरे कैद में रहता है। चिंटू ने कांपते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम यहाँ सिर्फ मजे करने आए थे। साया बोला, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो एक शर्त पर जा सकते हो, तुम इस पार्क के सबसे तारीख हिस्से में जाकर मेरा खोया हुआ खजाना ढूंढ कर लाना होगा, तो ही तुम यहाँ से वापस जा सकोगे। शेरू ने चिंटू की तरफ देखा, फिर अपनी हिम्मत जमा करके कहा, हम तुम्हारी शर्त कबूल करते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता। साया ने मुस्कुराते हुए इनकी रहनुमाई की और पार्क के सबसे तारीक हिस्सा दिखाया, जहां पानी की पुरानी सुरंगे थी। वो दोनों दोस्त ने दिल में खौफ को दबाया और सुरंगों में दाखिल हो गए। अंधेरा अंधेरा इतना अंधेरा था कि उन्हें एक दूसरे का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वो सुरंग के अंदर गए, इनके इर्द गिर्द की दीवारें खुद ब खुद हरकत करने लगी, जैसे जिंदा हो। पानी की सतह पर इनका अक्स बिखर कर शैतानी चेहरे में बदल रहा था। शेरू ने चिंटू को हौसला